आइए दोस्तों जानेंगे कैसा रहेगा साल 2016 कन्या राशि वालों के लिए। तो दोस्तों ये जो साल है ये आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है और आप खुद को काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। अच्छा, जो प्रोजेक्ट आपने पिछले साल यानी साल 2015 में शुरू किया था उसका इस साल आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन दोस्तों आपकी आदत है कि जब तक इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते आप रेस्टलेस रहते हैं, तो आपको काम रहना है, खुद को शांत रखना है, क्योंकि आपकी परेशानियां आपकी इश्यूज तभी रिजॉल्व होंगे जब आप शांत दिमाग से काम लेंगे। दोस्तों लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं दोस्तों, तो लव और रिलेशनशिप के लिए भी ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि साल का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है, साल का जो पहला हिस्सा है, वो आपके लिए थोड़ा सा ट्रबलसम रह सकता है। आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने साथी के साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनको आपको ठीक करने की जरूरत होगी। हालांकि दोस्तों आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आपका पार्टनर आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। दोस्तों काम को लेकर क्योंकि आप बहुत ही पैशनेट हैं तो अपने पार्टनर को काम की वजह से बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। अच्छा, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों। और अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये बेहद बहुत ही शुभ टाइम है, बहुत ही ऑस्पिशियस ये वक्त है। अगर आप लव अफेयर में हैं तो आप नवंबर और दिसंबर के मंथ में शादी के बंधन में बंध सकते हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों को फैमिली इश्यूज की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से और एक साल इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप सिंगल हैं और आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अपना सोलमेट अगर आप ढूंढ रहे हैं दोस्तों, तो वो आपको आपके ही सोशल सर्कल में आपको जल्द मिलने वाला है। प्रोफेशनल फ्रंट पर आते हैं दोस्तों, तो प्रोफेशन के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा और जो बिजनेसमैन हैं वो ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव अप्रोच अपने प्रोडक्ट और पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए यूज करेंगे। अगर आप जॉब में हैं और अपने काम में आप देखेंगे कि आपको एंथुसिएज्म फील होगा, आप एंथुसिएज्म शो करेंगे। लेकिन अगर आप अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं तो साल के बीच वाले हिस्से में यानी कि साल के मिड तक, जून से जुलाई का जो महीना है इसमें आपको जॉब मिल जाएगा। आपको लेकिन अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर थोड़ा सा काम करना होगा ताकि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लें। प्लेनेटरी पोजीशन जो है दोस्तों वो आपके फेवर में रहेगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल होंगे। आप अपने बजट को भी थोड़ा सा बैलेंस करके रखें, फिजूल खर्ची ना करें और दोस्तों आपको अपने मनी को सेव भी करना होगा ताकि आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना आए। हेल्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो हेल्थ के लिए ये जो साल है आपके लिए अच्छा रहेगा और थोड़ा सा मिला जुला साल रहेगा। साल के शुरुआती टाइम में आप काफी वाइटलाइज्ड फील करेंगे लेकिन साल के मिड तक आप थोड़ी सी टायर्डनेस फील कर सकते हैं और इसीलिए आपको काफी केयरफुल होने की जरूरत है। दोस्तों काम की वजह से अपनी हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल ना करें। आप इस साल कुछ बैड हैबिट्स के लिए भी मोटिवेटेड फील करेंगे, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो आपको इन बैड हैबिट्स से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, थोड़ा सा दूर रहना है। तो इसके लिए आप फिजिकल एक्टिविटीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कार्डियो क्लासेस हो गया, जिम, साइकिल, लाइक वॉकिंग, रनिंग, प्ले स्पोर्ट्स और बैडमिंटन और क्रिकेट जैसी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा होगा।
अच्छा, अपनी सोल से आपको कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, अपनी सोल से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन इसमें आपको काफी हेल्प करेगी। सफिशिएंट रेस्ट लें दोस्तों, हेक्टिक शेड्यूल बिल्कुल ना बनाएं, और अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें ताकि आप रिलैक्स कर सकें और रिलैक्स फील कर सकें। फैमिली और सोशल लाइफ की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आपके पेरेंट्स, चिल्ड्रन और आपका पार्टनर यानी आपका स्पाउस जो है, उनके साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही ऑस्पिशियस ईयर है। पास्ट 2 ईयर्स में आप वर्क प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और पार्टनर की जो डिमांड्स हैं उनको मीट नहीं कर सके, तो लेकिन ये जो साल है, साल 2016, इसमें आप अपनी फैमिली से रिकनेक्ट होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रिप भी प्लान करेंगे दोस्तों, और आपका जो बॉन्ड है अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, वो स्ट्रांग होगा और आपकी फैमिली भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आप मैरिड हैं और अगर आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं दोस्तों, तो ये साल आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है, और चांस है दोस्तों कि आप किसी सोशल गैदरिंग में अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलेंगे जो आपकी पुरानी यादों को ताजा करेगा और आप बेहद अच्छा फील करेंगे। ट्रेवल पर आते हैं, ट्रेवल की बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ कन्या राशि वाले जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो दूसरी कंट्री में जाकर अपने बिजनेस को फ्रेंचाइज करेंगे इस साल। लेकिन अगर आप जॉब में हैं, फिर भी आपको फॉरेन कंट्री में ट्रेवल का चांस मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं दोस्तों और अब्रॉड जाकर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो सितंबर का जो मंथ है, सितंबर का जो महीना है, सितंबर के महीने में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा, जो नवंबर और दिसंबर का जो मंथ है, ये अब्रॉड वेकेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है। तो दोस्तों, आप अपने पार्टनर के साथ, अपने लव के साथ आप ट्रेवल करेंगे इस साल और काफी एंजॉय करेंगे। ओम नमः पतये नमः।